हेलो हेलो, वेलकम है सबका आप सबका मेरे चैनल पे। मैं गुड़िया तिवारी। आज की क्या कहूँ, मालती चौहान जो इस टाइम बड़ा सुर्खियों में थी दूसरी शादी को लेके, उसने सुसाइड किया या क्या हुआ उसके साथ, मुझको कुछ नहीं पता। पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। छोटा सा बच्चा छोड़ के लोग ऐसा सुसाइड करने वाला तरीका जो अपनाते हैं, इस सुसाइड करने का कोई वो नहीं बनता है, मतलब नियम क्यों सुसाइड की, क्या हुआ उनके परिवार में मुझको नहीं पता। पर अभी मुझको भी कहीं से खबर मिली कि मालती चौहान नहीं रही इस दुनिया में। जब मैंने देखा वीडियो तो ये सच है, क्योंकि गोरखप्रिया भोजी और भी बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। बच्चे का क्या होगा, डिसीजन लेने से पहले लोग नहीं सोचते। बहुत ही दुख हो रहा है मालती के बारे में सुन के। अब विष्णुराज और अर्जुन, इन लोगों का क्या होगा। वो तो जाते जाते कितने लोगों को फेमस कर गई। उसने ये बहुत ही गलत डिसीजन लिया, जो भी था जैसे भी था उसको सामने रहना चाहिए था, बच्चे के लिए, किसी और के लिए नहीं। तुमको कोई नहीं अपनाता, ना विष्णु अपनाता ना अर्जुन। तुम खुद सक्षम थी, तुमको रहना चाहिए था। दुनिया बहुत बड़ी है, किसी कोने में जाके बच्चे को लेके जी सकती थी। लेकिन सच है यही कि जब दुनिया के थपेड़े पड़ते हैं ना, समाज बहुत गंदा है। पुरुष प्रधान होता है यहाँ, पुरुष कुछ भी करे लेकिन महिला को बोलने तक की इजाज़त नहीं होती है। क्या कहा जाए, मालती के लिए तो कोई शब्द ही नहीं बचे, ऐसा करके गई। पर मालती को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बार बार, युवराज का क्या होगा, छोटा है ना, अभी दो साल का हो गया शायद, नहीं अभी नहीं हुआ है, वो होने वाला है इसी दिसंबर या जनवरी में हुआ था। बहुत ही दुख हो रहा है मालती के बारे में सुन के। तमाम लोग वीडियो बना बना के गाली देना, ये करना वो करना, पति दूसरी शादी करवा रहा है, फिर एक्शन ले रहा है, फिर जिसके साथ शादी कर रही है वो कह रहा है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ है, फिर कह रहा रखेंगे, फिर कह रहा नहीं रखेंगे। जाने वाला तो चला गया, अब मौज करो सारे मिलके। पर जितने यूट्यूबर हैं सारे लोग, अब जाने के बाद तो उसको अच्छा संदेश दो। हर बात में वो यही कहती थी कि धमकी देती थी कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, देखो कर ली, किसका सब माने। काश ये झूठी खबर होती, दुनिया के लिए नहीं अपने बच्चे के लिए ही मालती सही हो जाती। पर जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो सब गलत है, क्योंकि गोरखप्रिया भोजी भी अपने गाड़ी से जाते हुए दिख रही है, थंबनेल लगाई है मालती नहीं रही अब इस दुनिया में। छोटे यूट्यूबरों का क्या है, छोटे यूट्यूबर तो मालती को नहीं जानते थे, बस अपना व्यूज़ लेने के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते थे। लेकिन
जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो उससे मिल रहे थे जुल रहे थे, कौन मामले को बस बोलने में थोड़ी था, सॉर्ट आउट करो अपने मामले को, सॉर्ट आउट करो। मालती का मामला सॉर्ट आउट हो गया, सॉर्ट आउट बोल रहे थे, सॉर्ट आउट करवा रहे थे। अभी आप गई हो, अब सॉर्ट आउट करवाओ। लोग बहुत लोग सॉर्ट आउट करवाते थे, घर लाके 1-2 महीना रखे होते, सॉर्ट आउट करवाए होते, अपना फर्ज निभाए होते, तो दुनिया के देखने में तो सारे लोग देवी देवता बन गए। बारी आती है तो उसको गाली देते हैं, बारी आती है तो उसके हस्बैंड को गाली देते हैं, बारी आती है तो अर्जुन को गाली देते, मतलब गाली गाली अपना करके व्यूज ले रहे थे। चली गई बेचारी इस दुनिया से, राम। बच्चे का क्या होगा, बच्चे का मुंह नहीं देखी एक बार भी ना, नहीं शायद ऐसा काम नहीं की होती। और फिर इतना जलील कर दी गई थी, अच्छे अच्छे लोग जलील कर रहे थे, जो खुद ही गंदा काम कर रहे हैं वो उसको जलील कर रहे थे, जो खुद गंदी गंदी वीडियो डाल रहे थे। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जिंदा रह के बच्चे के लिए जी के, और जो दुनिया समाज उसको कह रहा था उसको दिखाना चाहिए था कि देखो मैं वही मालती हूँ, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तो इंसाफ मिलता तुमको, सारे लोग तुम्हारे पीछे राजा बन रहे हैं और तुम तो चली गई। हम लोग तो कभी मिले भी नहीं थे ना कोई, मिले थे एक बार, मिले थे गोरखपुर आई थी वी पार्क में, तो गए थे हम भी, उसका मीटअप था फर्स्ट बार, तब मेरे सब्सक्राइबर 30-35 थे, 130-135 या टोटल 30-35। तब मैंने फर्स्ट उसका मतलब मेरा फरवरी में चैनल बना था, मार्च या अप्रैल में वो आई थी तो मैं गई थी। अभी किसी को पता भी नहीं था कि मैं मतलब ब्लॉग का काम करती हूँ, तभी मैं देखी थी, तभी मेरी दोस्ती भी हुई थी राधिका रंजू से। बहुत बड़ा बवाल हो गया यूट्यूब पे, तो यूट्यूब बंद ही हो जाएगा जैसा जैसा बवाल चल रहा है ना यूट्यूब में, कितने लोगों की रोजी। अच्छा है बंद हो जाए, अच्छा हो जाए, बहुत ज़्यादा लोग नाटक कर रहे हैं इस पे आके। कबूतर आती है घर पे ना, तो इसको भी भगाना जरूरी है, अच्छा नहीं होता सुने कबूतर का आना। तो मालती की आत्मा को शांति मिले, उसके साथ जो गलत हुआ है या सही हुआ है इसका हिसाब करने वाले तो हम नहीं हैं, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ ही है। इंसाफ कानून करेगा, इंसाफ भगवान करेगा, तो हम भगवान से यही कहेंगे कि मालती की आत्मा को शांति मिले और मालती के बच्चे को हिम्मत मिले। बताओ इतना छोटा बच्चा कैसे खुद को संभाल लेगा। तो मिलते हैं फिर आगे, देखें मालती के वीडियो में ही देख के मुझको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बाकी मुझको कुछ पता नहीं है, मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं रहती हूँ। आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि मेरा छोटा छोटा वीडियो जाता है, और ना ही कोई बकवास ना ही कोई फालतू। हर एक इंसान के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, नहीं रह जाता तो मैं छोटी मोटी बातें भले शेयर कर दूं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, आदमी करता रहता है। तो मिलते हैं फिर, देखते हैं वीडियो में क्या दिखा रहा है मालती का।